भगवान शिव के ठेकेदार हैं। मैं शिवरात्रि नहीं मनाता हूं, मैं पूजा हवन कीर्तन नहीं करता हूं, लेकिन धर्म के ठेकेदार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फलाना दल, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि इतने सारे दल बन गए, बजरंग दल, हनुमान दल, मैंने कहा इस देश में तीन दल हैं और तीन सेना होनी चाहिए। बहुत सारी सेना हो गई है, महाराष्ट्र में तो बहुत सेना बनाने का शौक है लोगों को, लेकिन वायु सेना, थल सेना और जल सेना, ये तीन सेना हमको चाहिए देश को। बाकी सारी सेना तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए बनी, लेकिन विनम्रता से लोगों की बात सुनना, विकास की बात करना, लोगों को जोड़कर रखना, ये कांग्रेस की नीति और रीति है। बाकी पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा आप लोग कई मरतबा देख चुके हो, और मैं इस मंच से सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के निर्माण के लिए, विकास के लिए, लातूर जिले को आगे बढ़ाने के लिए, इस शहर में जहां लाखों की आबादी रहती है, यहां पर नौजवान इतने प्रतिभाशाली हैं। मैं अमित जी से पूछ रहा था, इतने यहां पर कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे ग्रेजुएट होते हैं, निश्चित रूप से यहां बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज यहां पर लगे, चाहे मेरे मंत्रालय की हो, चाहे कहीं और की हो, लेकिन आईटी की, बीपीओ की, नॉलेज प्रोसेसिंग की, कॉल सेंटर्स की तमाम संभावनाएं हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए। और उन संभावनाओं को ताकत देने का काम अगर होगा तो तभी होगा जब ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, लातूर की कड़ी मुंबई से, मुंबई की कड़ी दिल्ली से, और हम लोग अगर सत्ता में है, शासन में है, तो सिर्फ इसलिए है कि 120 करोड़ का यह भारत का जो मुल्क है, दो तिहाई लोग यहां पर नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, हुनहार हैं, उनके अंदर कुछ करने की शक्ति है, उनको मंच चाहिए, उनको वातावरण चाहिए, उनको नौकरी के अवसर चाहिए, उन्हें दया भीख नहीं चाहिए। और वो सारी संभावना तलाशने का काम अमित जी और हम मिलकर करेंगे, इस बात का मैं आपको वादा कर जाता हूं। दूसरी पार्टी का जिक्र अमित जी कर रहे थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नई पार्टी है और केंद्र में हमारे साथ साझा सरकार उनकी है, महाराष्ट्र में हमारे साथ साझा सरकार उनकी है, और यह बात सच है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम लोग सरकार मिलकर चला रहे हैं, सहयोगी दल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में